क्या क्या प्रोडक्ट रखे आपने? नमस्ते सर, मेरा नाम सोनू माली है, मैं राजस्थान से ब्लॉग करती हूँ। मेरे रोज प्रोडक्शन का काम है, जो हम घर पे बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है। ये गुलाब जल है जो सर आंखों में डालने के लिए, फेस पे लगाने के लिए, पूजा सामग्री में, मिठाई में, सब में काम आता है। ये रोज वाटर है जो अपने डाबर आंवला से सबसे ज्यादा 100% प्योरिटी है इसमें। और एक हमारा गुलाब शरबत है जो सर मिश्री में बनाया हुआ है, जो इसको ये ठंडक प्रदान करता है। जैसे एक गिलास ठंडा पानी ले लो, दूध ले लो, चाहे उसमें दो चम्मच डाल के बनाना है इसमें जी। एक हमारे ये इलायची शरबत है जी, ये भी नेचुरल है, इसमें हमने इलायची पीस के डाली हुई है और मिश्री में बनाया हुआ है, हैंडमेड प्रोडक्ट है सारा हमारा जी। और एक हमारा रोज गुलाब से गुलकंद बनाया हुआ है, जो पेट के छाले, मुंह के छाले वगैरह ठंडक प्रदान करता है, एसिडिटी वगैरह नहीं होने देता है, और सब तरीके से ठंडक प्रदान करता है, और मिश्री में बनाया हुआ है हमने इसको। ये खुद बनाते हो प्रोडक्ट? सारे घर पे बनाते हैं। घर पे ही जी? अच्छा, क्या क्या काम, ये क्या चीज़ है? ये मूंगफली का तेल है सर। अच्छा, इसकी भी दानी है, हमारे घर पे बनाते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट है ये। क्या काम करता है? ये खाने के लिए यूज आता है, मूंगफली का तेल है। अच्छा, वैसे सर वगैरह पर लगाने का नहीं होता? नहीं नहीं। अच्छा, वैसे खाने में काम आता है। और क्या क्या है इसके अलावा? इसके अलावा हमारे पास डायबिटीज वालों के लिए है। अच्छा। ये जामुन का अर्क है, जो सुबह इसको खाली पेट पीना होता है, एक गिलास पानी में दो चम्मच डाल के। हाँ। ये नेचुरल प्रोडक्ट है, हम इसको घर पे बनाते हैं तांबे के बर्तन में। अच्छा। और एक हमारे ये अजवाइन का अर्क है, जो एसिडिटी वगैरह, पेट दर्द, खाना पाचन नहीं होता है, उसमें काम आता है। इसको बच्चों को भी पिला सकते हो, बड़े भी पी सकते हो। एक गिलास पानी लेना है नॉर्मली, और दो चम्मच ये डाल के थोड़ा सा नमक डाल के पीना है। और एक हमारा ये जीरे का अर्क है, सबसे बेस्ट, जो वेट लॉस कम करने के लिए काम आता है। ये बात बताइए, इनकी गारंटी वगैरह है कुछ? इसके 100% रिजल्ट है मेरा सर। कोरोना के टाइम में हमारा सबसे ज़्यादा तुलसी का अर्क, जामुन अर्क, सतावरी अर्क, सारे अर्क हमारे 100% रिजल्ट के साथ है। अच्छा, क्या क्या रेट का रखे आपने इनके? जीरे का अर्क सर 200 रुपीज़ का है जी। अजवाइन अर्क हमारा 250 का है। जामुन का अर्क 150 का है सर। और तुलसी का अर्क 250 का है सर। अच्छा जी। इसको चाय में और गर्म पानी में पीना होता है। अभी तक कितने बिक गए आपके? जी सर, हमारे यहाँ पे हमारे मेरे 1,20,000 की सेल हुई सर। बिके जी? अच्छा, बिक रहे ना खूब? जी जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। इधर चलते हैं, राजस्थान के खाने पीने वाले आइटम लगे हैं काफी सारे यहाँ पर। ये देखिए, देखो भीड़ देखे दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या लगे हैं? एक सूजी गाजर का हलवा हो गया, देखे बटर पावाजी, आलू पनीर टिक्की चाट, पापड़ी चाट, स्पेशल दाबेली, ये देखो राजस्थानी बड़ा पाव, बटर पावाजी। क्या क्या है आइटम बाबूजी? क्या क्या आइटम है आपके पास? सर, हमारे पास राजस्थान थाली है स्पेशल, जिसके अंदर हम दाल बाटी चूरमा, बाजरा रोटी, मिक्सी रोटी और गट्टे की सब्जी परोसते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्पेशल राजस्थान चाट भी लाए हैं हम लोग, जिसमें हम पाव भाजी बटर स्पेशल, जिसमें देसी घी डाल के और फिर देते हैं। उसके अलावा जोधपुर के दही बल्ले है, पापड़ी चाट है, मिक्स चाट है और राज कचौरी है। उसके अलावा प्याज कचौरी, मूंग दाल कचौरी भी है सर। अच्छा। इसके अलावा मीठे के अंदर हम चार आइटम है हमारे पास में, रबड़ी घेवर है स्पेशल, रबड़ी जलेबी है, रबड़ी मालपुआ है और मूंग दाल का हलवा है सर। ये दोस्तों जो भी आइटम है भाई ने बताया है यहाँ पर रह के, पूरी सब्जी आ रही है, ये पूरी सब्जी है ना, चार भेड़ में पूरी है, ग्रीन सैलेड है, पिकल्स है, हरी चटनी है सर, और बहुत ही अच्छी टेस्टी आ रही है। ये सर मुंगलेट बनना है ग्रीन वेजिटेरियन का। अच्छा। इसमें 10 से 12 तरीके की ग्रीन वेजिटेरियन है, प्लस पनीर है, स्वीट कॉर्न है और बटर के साथ हम इसे परोस रहे हैं। अच्छा। ये सर हमारी पाव भाजी आ रही है, मखनी पाव भाजी, इसमें गाँव का शुद्ध देसी घी मक्खन यूज कर रहे हैं हम बनाने के लिए, और ओनली 100 रुपीज में हम यहाँ सर्विंग कर रहे हैं। ये हमारे दही का राजभोग सर, बहुत स्पेशल है ये वाला ना? ये, हाँ जी सर। अच्छा। ये वन पीस बहुत बड़ा रहा है, ये स्टफिंग करके अनार के साथ में हम इसको परोस रहे हैं सर। जी, जी जी सर। और ये गुलाब जामुन घर के दूध से बनी हुई है, ये वाला है ना? हाँ जी सर। अच्छा, हार्ट में अगर कुल्फी बिक रही है तो सर वो हमारी बिक रही है। अच्छा, इसमें हम बिल्कुल घर का भैंस का दूध यूज कर रहे हैं। अच्छा है। इसमें कोई कलर फेड यूज नहीं है, बिल्कुल प्योर एकदम दूध की बनी हुई है सर ये। अच्छा, क्या रेट है इसका? इसका सर ओनली 50 रुपीज है सर। अच्छा, 50 रुपीज। हाँ जी सर। अभी तक कितने बिक गए ये? ये हमारी सर हाट में सबसे ज्यादा कुल्फी हमारी बिक रही है सबसे। इसके हमने आज हम बहुत सारे पीसेस के बेच चुके हैं, फिलहाल में आपको उसकी रिपोर्ट दिखाएं तो 2,500 से अधिक हम कुल्फी बेच चुके हैं। 2,500 से अधिक? 3,000 के समथिंग हम कुल्फी बेच चुके हैं। 3,000? जी सर। वाह भाई, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। साबुदाने का पड़ा है। कौन सा है साबुदाने का पड़ा? ये साबुदाने का बड़ा। अच्छा। मूंग दाल का मुंगेड़ी, उड़द दाल का बड़ा, चावल आटे का चीला, मूंग दाल का चीला, चौसेला, फरा जी, मीठा अरसा है और ये कुर्मी है। अच्छा, ये खुद बनाते हो क्या? हाँ, हम लोग खुद बनाते हैं। कहाँ पर बनाते हो ये? ये हम लोग यही बनाते हैं। अच्छा, वैसे वहाँ गाँव में बनाते रहते? वहाँ गाँव में भी बनाते हैं। अच्छा, क्या क्या रेट करके आपने इनके? ये 50 का 2 पीस, मीठा अरसा, कुर्मी 50 का 2 पीस,
ये छत्तीसगढ़ थाली है 180 का, और ये साबूदाने का बड़ा 2 पीस 80 रुपीस, ये मूंग दाल का पकौड़ा 80 रुपीस, उड़द दाल बड़ा 50 का 2 पीस, चीला है 80 का 2 पीस, मूंग दाल चीला 100 का 2 पीस, और 60 का 4 पीस चौसेला, और फरा है 60 रुपीस। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कर्नाटका का एक कर्नाटक का स्टॉल है, यहाँ पर डोसा बन रही है, इडली डोसे, ये देखिए दोस्तों खाने पीने वाली जगह पर तो काफ़ी भीड़ रहती है, देखो तो लोगों की भीड़ देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा लगी। दोस्तों ये देखिए पंजाब का स्टॉल लगा पड़ा है पर, गोलगप्पे पाव भाजी बर्गर हो गए, पकौड़ी भी रखे हैं बड़े, ये टिक्की तैयार हो रही है यहाँ पर, छोले भटूरे भी हैं यहाँ पर। तो दोस्तों हमने यहाँ से बैंड ले लिया है और स्पेशल 100 रुपये का हमने ले लिया, जो भी आइटम हम खाएंगे अगर कम का होगा तो पैसे वापस आ जाएंगे। तो चलते हैं हम सिक्किम की तरफ, तो सिक्किम वाले स्टॉल पर चलते हैं और कुछ खा पी लेते हैं, देखते हैं मोमोज खाने का। सिक्किम के स्टॉल पर आ गए हैं, अरे भाई बैंड दी दोस्तों, ये है मोमोज स्टिक हो रहे हैं और चिकन मोमोज इसके अंदर रखे हुए हैं और हमारे प्लेट तैयार हो रही है। आ चुके हमारे पास भेज मोमोज, सी रही है दोस्तों। ये देखिए पीछे, ये देखिए मूर्तियाँ भी लगी हैं इधर, और चलते हैं हवेली है इधर की तरफ, ये देखिए हवेली है और यहाँ पर ऊँट की सवारी भी हो रही है और इसके अंदर शायद टिकट लगता होगा, अंदर म्यूजिशियन चल रहा है यहाँ पर, देखिए ऊँट की सवारी भी करते हुए लोग और यहाँ पर रथ भी है। ये रही हवेली और इसके अंदर बहुत बड़ी हवेली है, देखिए ऐसे अंदर जाने का टिकट होगा। दोस्तों मैं भीम बड़ा भीम के पास और दिखाता हूँ दोस्तों, हेलो करें हमारे चैनल पे, क्या बोलते हैं हेलो हमारे चैनल पर, हाई कर दो। ये चुटकी, ये चुटकी, ये चुटकी, ये चुटकी है, अच्छा, ये भीम, हाँ ये छोटा भीम उधर है, अच्छा देखिए दोस्तों, अरे एक बार देखिए, हेलो भीम आप भी कर दो, हेलो भीम, हेलो भीम है, हेलो कर दो, हेलो काफी लोग भीड़ लगी है, छोटे छोटे बच्चे खूब एंजॉय ले रहे हैं, खूब एंजॉय ले रहे हैं। और तो ये थे छोटे भीम और चुटकी, दोनों देखे बच्चे एंजॉय ले रहे हैं और खूब सेल्फी ले रहे हैं इनके साथ और हेलो हाई वाइव कर रहे हैं, तो हमें तो दिखे नहीं, आप दिखे यहाँ पर। तो चलते दोस्तों और कहीं भी, क्या नाम है जी आपका? गुलफाम मेरे आका। अच्छा, मैं उसके ही पास रहता हूँ, हाँ? उसके पास अलादीन का चिराग होता है, हाँ? मेरा चिराग आपके ही पास है मेरे आका, कहा छुपा रखा आपने? मुझे दे दो, कहा छुपा रखा आपने? आपके पास है मेरा अलादीन, मेरे पास ये रहा। और हमारे चैनल पर क्या करना है? लाइक करना, हाँ? और शेयर करना, इस पे मोबाइल के अंदर आ जाऊंगा। मैं तो क्या कर दोगे? मोबाइल के अंदर आ जाऊंगा, परेशान हैरान कर दूंगा, जिन्हें गुलफाम हूँ। अच्छा धन्यवाद। तो दोस्तों 104 बज चुके हैं शाम के, और दोस्तों आप करते हैं इस वीडियो को यहीं पर विराम और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तो अब देखो इधर ऊंट की सवारी भी हो रही है, तो दोस्तों करते हैं एंड वीडियो को, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और ज़रूर अपने दोस्तों में भी शेयर करना अगर वीडियो पसंद आती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।